उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट जुटाने का जिम्मा आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को सौंपा है, जिसके जरिए मुसलमानों को बीजेपी का साथ देने की अपील की गई है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बुकलेट में मोदी और योगी सरकार के काम का जिक्र है। बुकलेट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी के शासन काल में सबसे कम दंगे हुए और बीजेपी के ही शासन में मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली है। इसी उपलब्धि को गिनाते हुए यूपी में मुस्लिम मंच ने मुसलमानों को बीजेपी का साथ देने की अपील की है। इसके लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने बुकलेट और लीफलेट तैयार किया है। बुकलेट में तीन तलाक का जिक्र है। मंच के लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मुस्लिम मतदाताओं से योगी सरकार को वोट देने की अपील भी करेंगे। आरएसएस के मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ये भी दावा कर रहा है कि बीजेपी के शासन काल में मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं और देश में 99% दंगे सेक्युलर पार्टियों ने कराए हैं। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार की अगुवाई में कल ये बुकलेट जारी किया गया। मुस्लिम वोट सुनिश्चित करने के लिए मंच ने निवेदन पत्र भी तैयार किया है, यानी आरएसएस यूपी में बीजेपी की जीत के लिए अपने अभियान में जुट गया है और मुस्लिम वोटरों को प्रभावित करने के लिए मुस्लिम मंच को जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।